उपयोग करके हम आधार कार्ड को डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप भी आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, फुल नंबर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। तो प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पे एम आधार एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आई कॉन्सेंट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश है, उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप जो मोबाइल नंबर दिए थे उसमें एक OTP आया है, तो वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप जो है आधार कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सर्विस जो का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद रिक्वेस्ट स्टेटस है, तो यहाँ पे आप जो भी आप अपने आधार कार्ड में स्टेटस करवाए होंगे तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आधार कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड आधार है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद रेगुलर आधार पे आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, उसके बाद इनरोलमेंट आईडी से। तो यहाँ पे आधार कार्ड पे हम नंबर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस बॉक्स में यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा फिर से आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आप इंटर करेंगे, उसके बाद वेरीफाई पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे चलिए हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। नोटिस क्या है, आपको आधार कार्ड जब इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको एक पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका नाम है लता कुमारी, तो यहाँ पे आपका लता का जो है 4 लेटर जो है कैपिटल में वो आपको इंटर करना है। उसके बाद आपका जो ईयर है जो 1996 जो 1998 होता है वो आपको देना है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देते हैं। तो ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे PDF आ रहा है। यहाँ पे देखिए PDF पे हम क्लिक कर देते हैं। तो PDF पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं किस तरीके से आपको पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। आपके नाम का 4 लेटर वो भी कैपिटल में, आपका जो भी है 1996 वो आपको देना पड़ेगा। तो पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पे देखिए ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा मेरा आधार कार्ड। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी तरीके से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा फुल नंबर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड को डाउनलोड तभी आप कर सकते हैं जब आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर हो। तो जो भी आपको इस एप्लीकेशन में नंबर मांगा जाएगा मोबाइल नंबर, वो आपका रजिस्टर नंबर ही देना है। यानी कि जो आपका आधार कार्ड में नंबर लगा हुआ है वही नंबर आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन में देना है, तभी आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को आप काफ़ी ज़्यादा पसंद किए होंगे। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।